नमस्कार, मैं प्रियंक श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक अभिनव नवाचार के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको सामुदायिक सहभागिता से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है अभिभावकों के संग शिक्षा में आए रंग। इस गतिविधि के अंतर्गत शिक्षक के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि समुदाय के बीच जाकर समुदाय को प्रेरित किया जाए। प्रायः देखा जाता है कि समुदाय विद्यालय से दूर रहता है, उसका यह मानना होता है कि विद्यालय शिक्षक और विद्यार्थी के लिए है, ऐसे में वह विद्यालय में कम से कम आता है और समुदाय की कम जुड़ने के कारण विद्यालय के अंदर पठन पाठन में जिस तरीके से समुदाय का सहयोग मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है। ऐसे में समुदाय को जोड़ने के लिए शिक्षक ने इस गतिविधि का निर्माण किया। इसमें उन्होंने अभिभावकों से सबसे पहले संपर्क किया। यह संपर्क वह विद्यालय शुरू होने से पहले और विद्यालय समाप्त होने के बाद उन्होंने समय अतिरिक्त समय निकालकर किया। इस संपर्क में उन्होंने बताया कि वह कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम समुदाय में करना चाहते हैं, चौपाल पर करना चाहते हैं या जहां पर भी लोग समुदाय के लोग इकट्ठा होते हैं वहां करना चाहते हैं। तो इसके लिए वह रंगारंग कार्यक्रम की सूचना या उसमें क्या रंगारंग कार्यक्रम किस तरीके से हो सकता है उसके सुझाव उन्होंने उनके साथ शेयर किए, उनसे मांगे और उनको विद्यालय बुलाया कि हम लोग इसकी चर्चा करके इसको बेहतर तरीके से क्रियान्वित करें। साथ ही साथ उन्होंने जागरूक माताओं को भी विद्यालय बुलाया ताकि उनके द्वारा लोकगीत गाए जा सकें, नुक्कड़ नाटक किया सके, बड़े बुजुर्गों को आमंत्रित किया। इस प्रकार से सभी प्रकार से जब लोगों को उन्होंने जोड़ लिया तो उन्होंने विद्यालय के अंदर बच्चों को भी तैयार किया, स्लोगन्स तैयार किए, पोस्टर्स तैयार किए और इन सबके साथ निकलकर जागरूकता रैली निकाला। और जागरूकता रैली निकालने के बाद वो एक जगह एकत्रित हुए जहां पर पूर्व में ही सभी समुदाय के लोगों को सूचित किया गया था कि आज यहां पे कार्यक्रम होगा विद्यालय के द्वारा। वहां पे सब लोग पहले से एकत्रित हुए थे, वहां पर ये सब लोग पहुंचते हैं, वहां पे पोस्टर वगैरह लगा दिया जाता है और वहां पर नुक्कड़ नाटक, लोकगीत ये सब प्रस्तुत किया जाता है। इसमें बच्चों के द्वारा भी कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है, बड़े बुजुर्गों के द्वारा भी उसमें प्रस्तुत किया जाता है और गांव की महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस पूरी की पूरी गतिविधि से जहां एक तरफ बच्चों के अंदर की जो छिपी हुई प्रतिभा है उसका भी विकास हुआ, साथ ही साथ प्रत्येक ग्रामीण ये देख पाया कि समुदाय के अंदर जब इस तरीके से इस प्रकार से बेहतर कार्यक्रम प्रस्तुत हो रहा है तो कहीं ना कहीं विद्यालय के प्रति उनका जो सोच था वो बदला और वो जो बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते थे उनको भी एहसास हुआ कि उन्हें अपने बच्चों को विद्यालय भेजना चाहिए। इससे समुदाय और विद्यालय बहुत ही नजदीक आएगा और उनके बीच एक घनिष्ठ संबंध का निर्माण होगा और इससे विद्यालय के अंदर नामांकन और उपस्थिति दर में वृद्धि भी होगी। हम आशा करते हैं कि ये नवाचार आप अपने कक्षा और विद्यालय में अवश्य लागू करेंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारा ZIIEI का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो ZIIEI का फेसबुक पेज भी जरूर लाइक करें। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार।